हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लिगामेंट की चोटें देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों को परेशान करती रहती है। हर जगह तो इसका इलाज उपलब्ध नहीं है और कई बार जब आप इलाज कराने जाते हो तो खर्चा दो दो तीन तीन या चार चार लाख बता दिया जाता है, जो हर आदमी की पहुँच से बहुत दूर होता है। लोग कहते हैं कि सर, अगर आपके अस्पताल में हवाई जहाज किराए पर लेके भी आएँ और 1 लाख रुपये हवाई जहाज वाला ले लें और 50,000 रुपये होटल वाला पर डे का ले लें तो भी आपके अस्पताल में बाहर से सस्ता ही पड़ता है। इसलिए आप देखिए, मिडिल ईस्ट, दोहा, कतर, अमान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश के लोग हमारे पास आके इलाज कराते हैं क्योंकि वहाँ से 2 से 3 लाख रुपए सस्ता पड़ता है। लेकिन सिर्फ सस्ते के लिए ये लोग इतनी दूर नहीं आते, इनको जो इलाज होता है वो हाई क्वालिटी मिलता है और बार बार विदेश से आने का चक्कर नहीं पड़ता, एक बार ही आते हैं और सही करा के चले जाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे फाइटर मौजूद है जो नेपाल काठमांडू से हमारे पास आए हैं। आइए, इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि थोड़े हिंदी में इनकी भाषा इतनी अच्छी नहीं है तो ये नेपाली में बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रमेश पुनी। रमेश, आप कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल का। और आपके घुटने में चोट कैसे लग गई थी? मेरे वो रूख काटते थे, रूख काटता चेंज मशीन ले दोसरा रूख में गयो, दोसरा रूख से वापस आ गई रे मेरे घुरा में लागो। मैं नेपाल का हॉस्पिटल में जाएगा, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल के डॉक्टर ले बोलो दोसरा हड्डी टूटा एक्सरे में, प्लास्टर डाल दिया नेपाल का डॉक्टर ले, प्लास्टर डाल दिया, ये दो महीने में प्लास्टर काट तुम्हारा ठीक हो गया बोला। मैं घर में आराम हो गया। मैं नवीन सर का वीडियो देखा, वीडियो में नवीन सर बोला था घुटने में पूरा प्लास्टर हो गया था, पूरा जाम हो गया बोला। मैं घर में पूरा प्लास्टर काट दिया जल्दी से, यानी नवीन सर का एड्रेस पूरा वीडियो में देखा, यानी इधर आ गया। जब आपका पैर का प्लास्टर 2 महीने रह गया था, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी जो हड्डी टूटी थी वो इतनी मामूली थी कि इनको किसी प्लास्टर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सब जगह प्रॉपर जानकारी नहीं होने से इनके 2 महीने का प्लास्टर लग गया और जिससे इनका घुटना जाम हो गया था। इसी बीच इन्होंने जब मेरा वीडियो देखा तो इन्होंने घर पर अपना प्लास्टर काट दिया जैसा कि इन्होंने बताया और आपने बैंडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये बात बताओ, नेपाल तो बहुत दूर है और ये राजस्थान है, तो आपके घर वालों ने मना नहीं किया कि इतनी दूर सिर्फ आप यूट्यूब देख के कैसे जा रहे हो? मैं सर का 100% गारंटी बोला था, मैं पूरा विश्वास है आपका, विश्वास है कि तो मैं जाऊंगा नवीन सर के पास, मेरा पूरा पैर ठीक हो गया तो मैं ज़िंदगी के सवाल है ठीक हो गया मैं आऊंगा बोला था। आप जब यहाँ पर आए तो कैसे आप पहुँचे हैं, बस से, ट्रेन से, कैसे आए नेपाल से? बस से सर। आपको आने जाने में कोई दिक्कत हुई? कितने लोग आपके साथ आए थे? एक आदमी। मान लो कोई और है जो नेपाल के हैं, अफगानिस्तान के हैं और उनके साथ कोई आने वाला नहीं है, तो आप ये सजेशन दे सकते हो कि क्या वो अकेला भी आ सकता है? ये हॉस्पिटल में बहुत अच्छा है, और आदमी का लिगामेंट, शोल्डर में प्रॉब्लम छ भने नवीन सर का हॉस्पिटल में आओ, अच्छा से इलाज करो, बहुत ठीक हो गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल लोग भी हमारे पास आ सकते हैं। मैंने देखा है लोग अस्पतालों में जाते हैं, 5-5, 6-6 जनों को तो साथ लेके जाना पड़ता है, कोई बिल बनाता है, कोई मरीज को शिफ्ट कराता है, कोई दवाई खरीद के लाता है, इतने चक्कर कटवाते हैं, 2-3 जोड़ी चप्पलें उनकी घिस जाती हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप अकेले आके इलाज करा सकते हो, आपके साथ अगर कोई आने वाला नहीं है तो भी हम आपके रिश्तेदार बन जाएंगे, आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बाकी अस्पतालों की तरह आपको हमारे पास बार बार आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हम फ़ोन से ही सारा इलाज करते रहते तो एक ही चक्कर में आपका काम हो जाता है। तो अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आ रही है, समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर इलाज होगा, या कूल्हे की या तो फिर शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करो और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। एक बार बोलो यहाँ नवीन सर का हॉस्पिटल में म न आएको भए, नेपाल में उपचार भएको भए मेरे खुट्टा ठीक नहीं हो गया था। मैं नवीन सर का हॉस्पिटल में आ गया, मैं तो धीरे 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 पूरा नॉर्मल हो गया, मैं दो महीने में तो पूरा कंप्लीट करूँगा। बहुत बढ़िया।